ऑल टीटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी पैडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन जो है 106 नंबर क्वेश्चन से लेकर 120 नंबर क्वेश्चन तक है। तो बारी बारी से मैं आपको सारे प्रश्नों को हल करवाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया है, जुलाई में। तो चलिए शुरू करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन भाषा की विभिन्न रंगते, दूसरा ऑप्शन भाषा का विविध गद्य साहित्य, तीसरा है प्रसिद्ध लेखक, चौथा है प्रसिद्ध रचनाएं। इसका जो उपयुक्त आंसर है पहला, 106 का पहला, भाषा की विभिन्न रंगते। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं 107 नंबर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, ऑप्शन है चार, पहला है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया है नेगेटिव सेंस है, काट दीजिए। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ये भी नेगेटिव सेंस में है, काट दीजिए। अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी वही है नेगेटिव सेंस। तो इसका चौथा ऑप्शन है स्वीकार किया जाना चाहिए। जी हाँ, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो 107 का चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पहला भाषा का समृद्ध परिवेश, दूसरा है संचार माध्यमों का प्रयोग, तीसरा है अभिभावकों का साक्षर होना, और चौथा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो भाषा सीखने सिखाने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाषा का समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है, 108 का एक नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 109 नंबर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंडरलाइन किया गया है इसमें, देखिए आप नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नेगेटिव सेंस में दिखे वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, जी नहीं, ये नेगेटिव सेंस में है, इसलिए जो 109 का उपयुक्त आंसर है दो नंबर ऑप्शन। तीसरा पढ़ लेंगे, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और चौथा है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जी हाँ ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए 108 का जो है दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक सौ दस नंबर है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अंडरलाइन किया गया नहीं है इसमें, इसलिए आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वेश्चन देखते समय। पहला ऑप्शन है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, जी हाँ, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षण में कमी, जी हाँ। तीसरा ऑप्शन है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, जी नहीं ये गलत है। तो इसका आप जो ऑप्शन है 110 का चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है पहला ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, इसमें जो सबसे उपयुक्त होगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए,
तीसरा है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। चौथा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अपनी भाषा में सुनाने से बिल्कुल उपयुक्त आंसर जो होगा हमारा इसका एक चार नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अपनी भाषा में सुनाइए ईदगाह कहानी को। 112 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, ऑप्शन पहला बिल्कुल भी नहीं होती, जी नहीं गलत है। दूसरा ऑप्शन है जन्मजात होती है, बिल्कुल सही आंसर। 112 का जो दो नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर, ये जो है चोमस्की ने बताया है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, तो इसलिए 112 का ऑप्शन नंबर दो इज राइट आंसर। एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण सबसे? पहला ऑप्शन है बातचीत करना, दूसरा है सुंदर लिखना, तीसरा है मानक वर्तनी, चौथा है शुद्ध उच्चारण। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बातचीत करना, आपस में बातचीत करने से भाषा सीखने में मदद होती है, इसलिए 113 का जो ऑप्शन एक है वो बिल्कुल सही है। 114 का क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, पहला ऑप्शन है साहित्य की रचना, दूसरा है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, तीसरा है वर्णमाला सीखना। इन तीनों में एक ही चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, पहला में साहित्य को केवल, दूसरे में आलंकारिक भाषा को, तीसरे में वर्णमाला सीखने को, चौथा ऑप्शन है वो है भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, इसलिए ये ऑप्शन जो है 114 का चार नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं यह विचार किनका है? पहला ऑप्शन स्किनर का, दूसरा है पावलोव का, तीसरा है वायगोत्स्की का, चौथा है जीन पियाजे जी का। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी रिलेटेड होते हैं वो है वायगोत्स्की से रिलेटेड, इसलिए 115 का जो ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 116 नंबर है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला है बाल साहित्य, दूसरा है पत्रिका, तीसरा है पाठ्यपुस्तक, चौथा है समाचार पत्र। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बाल साहित्य, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से, तो इस 116 का जो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 117 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? ऑप्शन हम पढ़ेंगे, पहला है भाषा आकलन, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है पाठ्य सामग्री और चौथा है भाषा परिवेश। तो भाषा की बात यहाँ की जा रही है, इसलिए जो 117 का जो चार नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, भाषा परिवेश, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है। चलिए हम 100 अगले क्वेश्चन के चलते, 118 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला है प्रश्नावली को, दूसरा है पोर्टफोलियो को, तीसरा है लिखित परीक्षा को, चौथा है जांच सूची को। तो सबसे महत्व जो अधिक देंगे वो हम पोर्टफोलियो को देंगे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 118 का दो नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। 119 नंबर, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है पहला गति, दूसरा प्रवाह, तीसरा अक्षर ज्ञान, चौथा अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो अर्थ होता है, हम पढ़ेंगे उसका अर्थ अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए 119 का जो चार नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है पहला वर्तनी की शुद्धता, दूसरा है काव्यात्मक भाषा, तीसरा है विचारों की अभिव्यक्ति और चौथा है सुंदर लेखन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है लिखना सिखाने में वो है सुंदर लेखन, तो 120 का जो ऑप्शन नंबर चार होगा बिल्कुल सही आंसर, एक सुंदर लेखन।
तो आपको मैंने अभी पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इस वीडियो को देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके बीच में सीटेट से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ। तब तक देखते रहिए ऑल टी टी चैनल। धन्यवाद।